नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्याज के दाम में भारी गिरावट, 2000 से 2100 रुपए क्विंटल बिका। खाद्य तेलों के दाम बढ़े, चीनी में टिकाव। एक पखवाड़े के भीतर प्याज के दाम में दूसरी बार बड़ी गिरावट आई है। मैवा टोक मंडी में प्याज 2000 से 2100 रुपए क्विंटल बिका, जबकि शनिवार को यही प्याज 2300 रुपए क्विंटल था। मंडी में भरपूर आवक के चलते 200 रुपए प्रति क्विंटल गिरावट आई है। फुटकर बाजार में गिरावट का असर दो तीन बाद दिखाई देगा। फिलहाल फुटकर में 30 से 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो कारोबारियों के मुताबिक प्याज के निर्यात पर रोक की वजह से घरेलू बाजार में प्याज के दाम कम हो रहे हैं। प्याज की कीमतों में कमी से लोगों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में डेयरी फार्म और गौशालाओं के नियम अब सख्त कर दिए गए हैं। इनके संचालकों को जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम भी सुनिश्चित करनी होगी और पानी की बर्बादी भी रोकनी होगी। सभी डेयरियों और गौशालाओं का स्थानीय स्तर पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने 2020 में पहली बार इस दिशा में देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की थी। 12 पृष्ठों की गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म एंड गौशाला भी इनके पर्यावरणीय प्रबंधन, मलमूत्र के यशोचित निष्पादन, इनकी साफ सफाई व बेहतर रखरखाव को अनिवार्य किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। विदेशों में पीली धातु में मजबूती के बीच घरेलू स्तर पर मंगलवार को सोने और चांदी के भाव उठ गए। M6 वारदा बाजार में सोना 29 रुपए यानी 0.06% फिसल कर 48,065 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। सोना मिनी भी 29 रुपए की गिरावट के साथ 48,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 196 रुपए यानी 0.29% टूट कर 67,050 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बिकी है। चांदी मिनी भी 190 रुपए कमजोर हुई और 67,334 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर 4.75 डॉलर की मजबूती के साथ 1,816.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। अगस्त का अमेरिकी सोना वायदा भी 7.70 डॉलर चढ़कर 1,816.90 डॉलर प्रति औंस बोला गया। सोने के विपरीत चांदी हाजिर 0.04 डॉलर टूटकर 25.13 डॉलर प्रति औंस पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 69 डॉलर से नीचे उतरने से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया आज 27 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर $1.74.61 रुपए का मिला। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 31 पैसे कमजोर होकर 74.88 रुपए प्रति डॉलर पर रही थी। रुपए पर आज शुरू में दबाव रहा, यह 5 पैसे टूटकर 74.93 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआत में ही यह 74.95 रुपए प्रति डॉलर तक टूट गया। बाद में रुपए ने तेजी से वापसी की और 74.55 रुपए प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। कारोबार की समाप्ति पर यह 27 पैसे चढ़कर 74.61 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में सोमवार को भारी गिरावट रही और यह 69 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। इससे रुपया आज मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्याज के दाम में भारी गिरावट, 2000 से 2100 रुपए क्विंटल बिका। खाद्य तेलों के दाम बढ़े, चीनी में टिकाव। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।